हेलो फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेटेस्ट पेपर ऑफ़ बिजनेस इन्वायरमेंट जो कि रिलेवेंट है एमकॉम सेमेस्टर सेकेंड के लिए तो देयर आर थ्री सेक्शन तो सेक्शन ए के अंदर फोर क्वेश्चन है जिसमें से आपको करने हैं टू क्वेश्चन तो यहाँ पे हमने बताना है कि फोरसेस जो हमारे इकनॉमिक इन्वायरमेंट को शेप देती है इकनॉमिक सिस्टम जो है जो हमारी कंट्री अडॉप्ट करती है उसका बिजनेस की फंक्शनिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है और उसी तरह नीति आयोग के रोल और फंक्शन के बारे में बताना है फिजिकल पॉलिसी क्या है इसके ऑब्जेक्टिव क्या है किस तरह से ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है हेल्प करती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हैज़ बिन ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया तो, तो यहाँ से आपको करने हैं टू क्वेश्चन और उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्शन बी के अंदर जो है फोर क्वेश्चन है जिसमें से आपको करनी है टू क्वेश्चन डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लैजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिश्री ऑन बिजनेस अन्यूमिनेट द ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्राइब दफ कॉम्पिटिशन एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी सॉरी टू थाउजेंड टू वट इज एफ डी आई हाउ डू डिवेलपिंग कंट्रीज नीड एफ डी आई वट आर द एफिलियट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक डिसकस ब्रीफली द रिस्पेक्टिव फंक्शन हाउ डू दे प्रमोट द ऑबजेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रो उसके बाद इसमें से आपको करने हैं टू क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन है जल्दी से ये भी नोट कर लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन जो है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है आपको इलेवन जो है शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो कि ट्वेंटी टू मार्क्स के हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए